नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। यूपी के बुलंदशहर में 3 दिन से लापता एक कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के बीबी नगर के गांव अहमदा नगर में रहने वाले तेजपाल की। निर्मम हत्या कर हत्यारों ने शव के इन छोटे छोटे टुकड़ों को बोरे में बंद करके इसी गड्ढे में दबा डाले। दरअसल तेजपाल उर्फ तेजा बुलंदशहर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेवारत थे। शनिवार को रोजाना की तरह ड्यूटी पर गए थे, मगर फिर घर नहीं लौटे। आज सुबह तेजा का एक हाथ गांव के सड़क किनारे एक खेत के पास मिला तो ग्रामीणों ने तेजा के तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद इस गड्ढे में दबे बोरे में तेजा का सिर, हाथ और सहित शरीर के 10 टुकड़े मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने तेजा के शव को टुकड़े बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घटना स्थल पर फॉरेस्टिंग विभाग की टीम ने भी कुछ साक्ष्य संकल्पित किए हैं, मगर पुलिस की माने तो प्रारंभिक जांच में नौकरी पाने के लिए पिता की हत्या किए जाने की बात प्रकाश में आई है, इसीलिए पुलिस ने मृतक की पत्नी व पुत्र को हिरासत में ले लिया है। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। हम कपिल कुमार है जी। कपिल, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी के साथ? हमारे पिताजी के साथ परसों ड्यूटी के लिए निकले थे और ड्यूटी के साथ अपना ये ड्यूटी पर नहीं पहुँचे। हम लोग को शक समझा, शक के तौर पर हमने फ़ोन मिलाया इनको, फ़ोन अवेलेबल बता लगा। फिर हम सोचे मैं कहा आ जाएंगे, लेट सेट पहुँच जाएंगे या कहीं किसी के साथ गंगा जी नहाने चले गए होंगे, क्योंकि अक्सर ये चले जाते हैं गंगा जी नहाने के लिए। कभी किसी गल इलाहाबाद लखनऊ स्कूल का काम होता, कभी उसके थ्रू चले गए हों। क्या फ़ोन खो गया हो, इसे हमारा फ़ोन नहीं लग रहा हो, हमने ये सोचा। हम चलो देखेंगे, सुबह को देखेंगे, रात ख़त्म होगी। अगले दिन देखा, अगले दिन भी नहीं मिला। मुझे पता लगा, मैं अपना काम छोड़ के मैं 4-1 बजे करीब मैं अपने घर आया। घर आकर पूछा, अब भी ड्यूटी पर नहीं पहुँचे हैं। मम्मी भैया से, भाभी से और सबसे पूछा, वहाँ भी नहीं है। उनके पास भी दो भैया मेरे बाहर रहते हैं, मैं हापुड़ काम करता हूँ, मम्मी रहती है बस यहाँ अकेली, तो वो मिले नहीं थे यहाँ। हमने क्या पता पड़ा? अब घटना है, ये मिले हैं अपने। किस अवस्था में मिले हैं? कितने टुकड़े इनके किए गए हैं? टुकड़े तो कई टुकड़े हैं इनके, कम से कम 6-7 टुकड़े हैं। तो क्या लग रहा है हत्या की वजह क्या होगी? हत्या के बजाय इसके कर्धन कैसे मारा गया? नहीं, इतनी बुरी तरह से इनके शरीर को काटा गया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, वजह क्या है? किसी पर शक है आपको? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, मुझे किसी पर शक। ये रिटायर होने वाले थे बताया जा रहा है? रिटायर ये 3-4 महीने पीछे रिटायर होने वाले थे। क्या परिवार में कोई सदस्य पढ़ा लिखा भी है? बेरोजगार? पढ़े लिखे सब, हाई स्कूल से ऊपर कोई नहीं है। बेरोजगार भी है? बेरोजगार ही है सब, अपने मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई गाड़ी चलाता है, कोई स्कूल की चलावे, कोई कंपनी में लग रहा, तो ऐसे ही है। मम्मी यहाँ कटिया पाल के वहाँ पालस पालस करती है। सरकार से क्या मांग करते हैं, खुलासा हो इसका? सरकार से मम्मी बताएंगे, सरकार से अपनी उसकी मांग सहायता ही मांगी जाएगी। सर, बीबी नगर क्षेत्र में 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिला है गड्ढे से दबा, सर क्या घटनाक्रम है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज उसकी पत्नी के द्वारा पहले पुलिस को सूचना दी गई कि उसके पति 3 दिन से थे बाहर और आज उनका हाथ कहीं से कटा हुआ मिला है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची तो प्रथम दृष्टया घर परिवार के लोग ही संदिग्ध लगे। आसपास जब तलाश कराई गई तो उस व्यक्ति के शरीर के अन्य हिस्से जो है घर के पास ही कुएं से मिले हैं और प्राथमिक रूप से छानबीन से जो बात आई है कि पत्नी से पति का संबंध अच्छा नहीं था। रिटायरमेंट उसका लगभग 6 महीने बचा है, एक विद्यालय में वो चपरासी के रूप में कार्यरत था। प्राथमिक छानबीन में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी और उसके किसी पुत्र के द्वारा ये घटना कार्य किए जाने की संभावना है। संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। सर, दूसरा कोई कारण निकल के सामने आ रहा है, जैसे नौकरी करता था वो, कि नौकरी के लालच में तो ऐसा नहीं करते? अब वही बातें हैं, मैंने परिवार के लोगों को भी संदेह के घेरे में रखा गया है, क्योंकि जिस तरह के हाव भाव इनके थे और जो परिस्थितियां हैं मौके की और जिस प्रकार से उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, इसने अपने जो चरित्र पंजिका है उसमें भी अपने उत्तराधिकारी के रूप में पत्नी को नामित नहीं किया है, बल्कि अपने बच्चों को किया है। पत्नी से संबंध ठीक नहीं थे, तो ये तमाम बातें हैं जो हमारी विवेचना के विषय हैं। बहुत जल्द ही हमें सब लोग का अनावरण करके अभियुक्त को जेल। सर, क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है? हाँ, परिवारिक जनों को जो है जो संदेह के घेरे में है पूछताछ के लिए थाने।